हेलो एंड वेलकम टू गाइज माई यूट्यूब चैनल अवितु व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो में भी। तो आज है भाई 22 तारीख और मैं सुबह सुबह निकला हूँ जॉगिंग की ओर और इतना ज़्यादा ठंडी लग रहा है, बाप रे। मैं और जल्दी उठूँगा सोचा था लेकिन मेरा नींद नहीं खुला और हो गया, अभी करीब 6:30 बज गया होगा। तो मैं बोला आपको एक झलक दिखा देता हूँ सुबह सुबह का माहौल कैसे रहते हैं। तो अपन जा रहे हैं पंथी चौक की ओर, तो चलते फिर आपको दिखाते हैं सुबह सुबह का माहौल कैसे रहते हैं जो भी अगर उठ नहीं पाते हैं। वैसे तो अभी मैं भी 1 साल से बहुत लेट उठ रहा हूँ, तो सीधा चलता हूँ आगे दिखाता हूँ माहौल यार क्या रहता है एक तरफ। लेकिन अभी ना 2-3 दिन से भिलाई में ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और एक तरफा टाइप से ठंडी लग रहा है। अभी आप देखोगे ना तो इधर साइड दिखेगा पीछे पीछे ना पूरा ओस जमा हुआ है, तो और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है अभी। और ये मैं पंथी चौक पहुँच चुका हूँ, तो दिखाता हूँ आपको चौक का माहौल। मेरा मुंह से धुआं नहीं कर रहा इतना ठंडी लग रहा है। तो कोई नहीं, चलता हूँ आगे दिखाता हूँ पंथी चौक। आपने देखा होगा बहुत सारा वीडियो वगैरह में, मैं भी दिखा चुके हैं पंथी चौक से थोड़ा आगे। और अपना ये सोच है अभी कि अपन जाए सीधा सुनीति उद्यान वाला सेक्रेट चौक है ना वहाँ तक, और वहाँ तक जाके ना वहाँ पर एक राउंड लेके आए। बहुत ठंडी लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है। इधर का व्यू दिखाता हूँ आपको, पूरा ना ओस जमा पड़ा है उसकी वजह से और ज़्यादा ठंडी लग रहा है। एक तो इतना दिन बाद निकला हूँ मैं जॉगिंग करने, मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, बस धीरे धीरे चलते जा रहा हूँ, दौड़ूंगा भी नहीं मैं, ठंडी लग रहा है। एक तो इधर दिखा देता हूँ, इस तरफ रोड में बहुत कम लोग, और इस ये नहीं मैं रोड बता देता हूँ, मैं ये रोड जाएगा सीधा सेक्टर 8 नेहरू नगर। अरे ये तो मैं इधर से आया हूँ पंथी चौक की ओर, सीधा अपन जाएंगे और अपने को यहीं से सीधा जाना है और सीधा जाएंगे और एक तो राउंड लेके आएंगे अपन। एकदम ठंडी लग रहा है ना, मेरे हाथ से पूरा मोबाइल हिल रहा है यार। तो पीछे मतलब इस तरफ करके दिखाता हूँ, बहुत दूर आ चुके अपन, बहुत दूर बोले तो बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। 1 किलोमीटर चल लिए होंगे अपन अभी। और ये दिख रहे ना ये सबसे कैन, पहले ना मैं इसमें मस्त पेपर बांटा करता था, 1 साल पहले की बात है। वैसे तो मैंने 5-6 साल बांटे हैं और करीब मैं 8th 9th में था ना तब से चालू किया, और बहुत लंबे समय तक मैं बांटा था यार पेपर, क्योंकि उस टाइम अपन क्या है उतना वो नहीं था, वो अपना खर्चा चलाने के लिए और हमारे स्कूल का जो छोटा मोटा खर्चा चलाने के लिए अपने को अभी भी करते हैं, और मतलब वो नहीं पेपर नहीं बांटते, दूसरा साथ में काम करते हैं जो अपना ब्लॉगिंग को बढ़ावा देता है, तो वो दोनों करते हैं जिससे यार इसका भी जो जो खर्चा रहता है वो भी कवर हो सके। और पहले मैं ना यहाँ पेपर बांटा करता था, यहाँ और 2-3 कॉलोनियाँ उस तरफ तालपुरी इस तरफ बांटा करता था मैं। तो यही है अपना लाइफ की कहानी। और ये देखो यार धुआं नहीं कर रहे, धुआं निकल रहा मुंह से अभी। और इस तरफ ना क्या है सेक्टर एरिया में ना पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ना और ज़्यादा ठंड लगते हैं। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा दौड़ता हूँ क्योंकि और ठंड लग रहा है, सीधा जाऊँगा सेक्टर 8 चौक इसके जो गोल वाला है उसकी ओर घूम रहे हैं हम, और इसका अंदर जाके दिखाता हूँ। ये भी इसके अंदर घुसर गए हैं, फिर घुस गए आ रहा है शायद, जो रात में तो नहीं चलता। और इस तरफ का गार्डन है यहाँ पे, और बस ज़्यादा कुछ नहीं है। इधर से अपन आए हैं, ये जाएगा सीधा सेक्टर 1 और इस तरफ सेक्टर 9 ऐसा करके है, और इस तरफ सीधा नेहरू नगर, चारों तरफ रास्ते हैं। ये चौक पड़ जाते हैं और जस्ट ये है सुमिति उद्यान, और खुला तो है
और दिखाता हूँ फिर अंदर चल के, मेरे को सर्दी हो जाएगा लग रहा है यार। तो भाई कुछ इस तरह से बैक कैमरा से दिखाता हूँ। बढ़िया सारे जगह, इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी है, सब तरफ है। समझ नहीं आ रहा किधर जाए अपन, इस तरफ आगे किधर भी चालू कर करना तो है, अपने को देखना ही है। और 7 बजने वाला है यार, मेरे को 7:30 तक घर जाना है। इधर देखता हूँ मैं, ये तराजू बने हैं बैक कैमरा से, नहीं इधर। तो ये है तराजू और हाथ, इसका मतलब क्या है? ईमानदारी। अच्छा तो उस तरफ भी कुछ बने, उस तरफ भी दिखा देते। सुबह का माहौल ही एक तरफा रहता है, ठंडी में तो और बेहतरीन लगता है, वो बात अलग है, हम उठ नहीं पाते सूट। तो हमारे लिए क्लैप्स गो सुबह उठ गए करके। और इस तरफ भी एक तो हाथ में गुलाब है और हाथ में फूल फूल है, तो इसका मतलब है, देखो इसका मतलब है सद्भावना और प्यार। गुलाब का मतलब प्यार। और उस तरफ भी है, बहुत सारे हैं। उस तरफ चलते हैं, उस तरफ देखेंगे कुछ। जो मेरा हाथ है ना, वो एकदम ऐसा लग रहा है कि जम गया, उस टाइप से लग रहा है, क्योंकि पूरा पूरा बर्फ पानी, मतलब इतना बर्फ टाइप से ठंड पड़ रहा है ना, एकदम जम गया लग रहा है हाथ। धुआं निकल रहा है मेरा मुंह से। तो अपन उधर चले गए, उधर मोह माया रहता ना, इसे भी नहीं जाता पता। ओ भाई इस तरफ भी देखो, पार्क में बहुत तबाही है पता है। ज़्यादातर यहाँ पे कपल्स लोग रहते हैं और उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली बने हैं शायद ये। अगर आपका भी है तो आप भी आ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तो चलता हूँ फिर उस तरफ, कुछ मैं ज़्यादा नहीं, ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई। एक तो पुल, ज़्यादा उधर तो नहीं जाऊँगा मैं अभी। और ये कुछ इस तरह का व्यू सुबह सुबह से, पूरा उधर कोहरा जमा हुआ है। इस तरफ पूरा बहुत वहाँ तक है, मालूम नहीं, मैं गया भी नहीं, उठा उधर है अभी, मेरे पत्थर वत्थर लगा बैठने के लिए। तो अपन यहीं से रिटर्न चलते हैं, ऐसा घूम के जाएंगे इसको चले। तो अगर आप यहाँ आए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वैसे तो कुछ लोग ज़रूर आए होंगे। तो चलते फिर आगे, मज़ा आया बहुत हो गया। और मैं ये जो मजा है, तो इसी से मेरे को याद है कि हर एक की लाइफ में एक ना एक लव स्टोरी जरूर होती है। तो अगर किसी का जरूर बताएं। और हमारा ना कोशिश जारी है कुछ और भी करने का साथ में, बट हो नहीं पा रहा यार, क्या करें। तो उसके लिए भी जारी है कोशिश। तो यार मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार, इतना मेहनत करते हैं हम भी। सुबह 5 बजे उठ के, 6 बजे सॉरी, हाँ तो 6 बजे उठ के आपके लिए इतना अच्छा वीडियो लाते हैं। तो कृपया बस एक सब्सक्राइब और एक लाइक, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मांगता है अपने को वीडियो। तो चलते फिर बाहर सीधा घर की ओर जाते हैं। और अभी सीजन नहीं होने की वजह से थोड़ा डीजे वीजे का वीडियो कम आ रहा है, जैसा कुछ सीजन आएगा फिर धड़ से डलेगा एक आध वीडियो आपके मनोरंजन के लिए। तब तक के नॉर्मल ब्लॉग वीडियो एंजॉय करो आप लोग। चलो
pilot skies and countryside, it all comes flooding back to me in watercolor when we had each other, caught up in the memory of when we talk all night, drinking cheap white wine. I let you see my darkness, then I fell in love, but you gave me up. I still don't know what happened. I know we're over and I should move forward. I'm just a little nostalgic. तो अपन इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और तो फिर भाई अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो इसी तरह का ब्लॉग लेके फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर बाय।